हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी बॉल्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए मैंने लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, इसके में हम डालेंगे एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ, थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, ये मैंने लिया 1/3 कप ग्रेटेड नारियल, जो सूखा नारियल होता है, कोपरा बोलते हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये बहुत ही अच्छा इसने क्रिस्पी बॉल्स को टेस्ट देगा। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। हम अपना गैस बंद कर देंगे। इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर, ये भी इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगा। ये मैंने लिया है 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर, इसमें हम अपने ये प्याज और नारियल का वो डाल देंगे, ग्रेटेड नारियल। थोड़ा सा हम डाल देंगे ब्रेड क्रम इसकी बाइंडिंग के लिए और इन सबको एक डो की तरह बना लेंगे हम। हमारा डो बन गया है, अब हम इसकी बना लेंगे बॉल्स। और ये मैंने बना लिया स्लरी, जिसमें मैंने आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर डाल के, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के घोल बना लिया है। और उसी के ऊपर चढ़ाने के लिए मैंने लिए हैं 0 नंबर के सेब, इसकी हम एक बॉल बना लेंगे। हम अपनी बॉल को डिप करेंगे स्लरी में और इसे इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे ये 0 नंबर के सेब। आप चाहे तो इस पर कॉर्नफ्लेक्स का चूरा करके वो भी चढ़ा सकते हैं। इसे हम फिर से डिप करेंगे स्लरी में और फिर से हम इसे डाल देंगे। हमने डबल कोटिंग कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। हम अपने डॉग की बाल बुटा लेंगे। स्लरी में डिप कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 0 नंबर सेब में। फिर से हम डाल देंगे स्लरी में और फिर से कोट कर लेंगे इसे। इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स को बना लेंगे। हमने अपनी सारी बॉल्स बना ली हैं और तेल गरम करना रख दिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसमें सब कुछ कुक्ड है। अगर ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो पनीर चूड़ी हो जाए। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमारी बॉल्स फ्राई हो गई है, इन्हें हम पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। हमारी बॉल्स फ्राई हो गई हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बॉल्स बनके तैयार हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।